ये हमारा सारी टेस्टर है। बीबी का खून पिएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा वो अलग। बीबी का खून पिएगी, मूर्ति तो उस खून को पी गई होगी। हाँ वो तो है ही खैर। चलो सो गुड मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग खाने से ही हो रही है। इधर मैं बना रही हूँ कड़ी दोपहर के खाने के लिए, और ये है ब्रेकफास्ट रूरल डेवी का। बेसिकली ये दलिया है और इसमें मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, ये दलिया खिचड़ी बना रही हूँ मैं। यहाँ पे सारी सब्जियाँ डाली है, कोई ऑयल नहीं डाला। लास्ट में सिर्फ एक छोटा सा तड़का लगाऊंगी हींग जीरे का घी के साथ, एंड ये उनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। बिकॉज आजकल रूरू डेवी दोनों ही ऐसी चीज़ें खाने लगे हैं। रूरू को पहले चाहिए था कि ब्रेकफास्ट में वो थोड़ा बहुत मीठा खाती थी, लेकिन मैंने उसके साथ चेक किया तो वो नमकीन भी खा लेती है, उसको ऐसा कोई इशू नहीं है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, मुझे उसको सब्जी खिलाने में कोई इशू होता नहीं। वो जैसे मैं सब्जी भी कोई बनाती हूँ तो कटोरी में लेके खा लेती है अपना चुपचाप, उसको रोटी की भी नीड नहीं होती कभी कभी। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। मैं पिछले 2-3 दिनों से सो ही नहीं पा रही थी, लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ। मैं सो गई थी 9:30 बजे, फिर 9:30 बजे से 9 बजे सो गई थी, 9 बजे से लेके मैं 12 बजे तक सोई। देवेश किसी काम से बाहर गए थे तो वो लेट आए रात में, फिर 12:30 बजे करीब आई थिंक गेट पर कोई आया, मैं जाती हूँ। और फिर उसके बाद टीवी और छाया बैठ के बातें करते रहे, और ऐसे मेरी मतलब आधी आधी नींद पूरी हुई है। फिर हम लोग बैठे, फिर हम लोग ने कुछ खाया, दोबारा से छाया ने कुछ बनाया था, मैगी बनाई थी छाया ने रात में। हम लोग डिनर करके सो गए थे जल्दी, लेकिन फिर दिवेश को भूख लग रही थी तो मैगी बनाई उस टाइम पे। और दिवेश को मैं हमेशा पूछती हूँ बाहर जाने से पहले, तुम्हारे लिए खाना बना के रखो, खाना बना के रखो। नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, बाहर का क्या होगा। और हमेशा यही होता है, अभी फ्रेंड्स के साथ जाएगा फिर घर आके खाएगा, यही प्रॉब्लम है इस लड़के के साथ। तो फिर रात में झटपट छाया ने बेचारी ने, क्योंकि मैं तो ऊपर सो रही थी, तो उसने मैगी बनाई, फिर टीवी आया, फिर बातें करते रहे हम लोग 2-2.5 घंटे। 2:30 बजे सोए रात में, और फिर ऑब्वियसली मॉर्निंग में 6:30 नहीं उठ सकते, ऊपर से मेरी बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है मेरा। कल तो मुझे पेल्विक में भी पेन था, और अभी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बॉडी को सेटल होने में। आज बनी है कड़ी और हम खाना खा रहे हैं, रोटी बना रही हैं। आज मैं ब्लॉग कर रही है, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, ठीक है। ये रोटी बन चुकी है कराती, और अब मैं इन्हें खा जाऊँगा, मुझे भी खा जाऊँ। चलो हम अपनी प्लेट लेके चलते हैं, और यहाँ पहले से ही रूस बैठा हुआ है। खाना खाओगे? खाना खाना आटे से बना रही है ये तो नहीं चला, खुद ही बनाया। क्या बनाया ये आपने? So what's up people, welcome to my YouTube channel, that's your boy Divesh Singh, और आज हम जा रहे हैं प्रिया जी के यहाँ, प्रिया और आकाश के यहाँ। सो क्यों जा रहे हैं? बस फालतू है हम, आज फालतू टाइम है तो हम फालतू टाइम को कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं, तो हम प्रियाकाश से मिलने जा रहे हैं। बेसिकली से कहीं घूमने जाना था। बेसिकली फालतू पीपल जो बैठे हैं इस गाड़ी में मेरे अलावा, उनको मैं घुमाने ले आ रहा हूँ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं घूमने जाना था। पर तुम्हें खुद नहीं घूमना? ऐसी बात है, नहीं जोरू को छोड़ दूर, तुम्हें फालतू कह रहे हैं तुम्हारे पापा, जोरू पर मुझे छोड़ के, गाड़ी छोड़ के। सैटरडे में यहाँ आके ऐसा लगता है कि बस गलती कर दी भाई, इतनी भीड़ इतना जाम कि तुम चल ही नहीं सकते, ऐसे सड़क सड़क के चलते हो। और हमारी गाड़ी है थोड़ी देर में एक बहुत ही सही माइलस्टोन को पूरा करेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि कौन सा माइलस्टोन पूरा करेगी। आ जाओ बुआ, आगे बंद कर दे फ्लैग, बुआ आ जा, दिख गई ना, देख ना सुनने लग रहा है, बोलो क्या बदतमीजी है, बोलो हिप्पो, बोलो हिप्पो, हिप्पो बुआ, हिप्पो हिप्पो बुआ। बोलो हिप्पो पापा, आओ आप आओ, देखो आप मेरी गोद में आओ, जल्दी आओ पीछे आ जाओ पीछे, मैं आ जाऊंगा तो तेरी मम्मी पे चल जाएगी, आ जाओ पीछे आओ पीछे 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 आ रहे हैं, क्या दिखाने लग रहा है नखरे, आता क्यों नहीं है ये, इन्हें ड्रामे करता है मुझे, ये क्या
तो अभी आज हम आए हैं यहाँ चेक करने के लिए मैंने क्या वाइब रहती है यहाँ की। ऐसे मन आ गया सब लोगों का उनकी फैमिली बोलने की चलो एक बार घूम के आते हैं गार्डन की एरिया तो ये देख के आते हैं। बाय 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 गुड नाइट सी यू बाय। चलो ठीक है गार्डन गैलेरिया बाय बाय टाटा पूरे गोवा वाइब ले रहा नीचे कर दिया देख The next day. तो बेसिकली ये साड़ी है अमेजोन से हमें आई है और ये इन्होंने खो दी थी रिटर्न नहीं कर रहे थे और डिलीवर दिखा रही थी एक इसके पूरे अभी भी पैकिंग जो है वो अलग है। ये हम जो पैक करते हैं उसकी हमारी पैकेजिंग अलग है आपने देखी होगी पूरा रूरू का स्टिकर पूरा ये तो ट्रांसपेरेंट पन्नी में से वापस करके गए और ये भी जब जब हमने बहुत इसकी शिकायत करी है अब इसे एक बार खोल के है तो हमारी साड़ी ये हमें पता चल रहा है पर ये एक बार देखनी पड़ेगी कि ऐसा लग रहा है कि एजेंट ने यूज करी हो जब शिकायत करी गई जब क्योंकि आई भी दो हफ्ते बाद है ना ये हाँ। दो हफ्ते बाद ये साड़ी मिली है दो हफ्ते बाद हमें वापस करके गए वो भी शिकायत कर रहा हूँ 28 की डिलीवरी डेट थी इसकी पूरे 10 दिन हो गए पूरे देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब है इसका किसी और की पन्नी में ही दे दिए क्या ये पता नहीं क्या कर दिया अमेज़न की तो पन्नी है ना ये स्टिकर तो हमारा चल अंदर का ये पन्नी भी हमारी ये है। पन्नी तो है ये वाला जो स्टिकर है ना ये स्टिकर हमारा ये पन्नी हमारी ये स्टिकर उसने हटा के इस पे लगाया गया लग रहा नहीं ये है हमारी इन्होंने ये अंदर वाली पन्नी हमारी बाहर वाली पन्नी हमारी ऐसा लग तो रानी के यूज्ड है ये हमारा साड़ी टेस्टर है ये साड़ी एक बार हमारे जो एजेंट थे हमारे नहीं अमेज़न के एजेंट थे उन्होंने गड़बड़ी कर दी थी तो बड़ी शिकायत करने के बाद बड़ी मुश्किल से आई है तो सिवन से सूम के देख रही है कि ये यूज तो नहीं करी है क्योंकि दो हफ्ते तक उनके पास थी और उन्होंने डिलीवर दिखा दी थी और हमारे पास पहुंची नहीं थी ठीक है तो अब सिवन की नाक जो है वो टेस्टर है साड़ी का कि भाई सही है या यूज करी गई है वो हाँ ये सूंघती फिरती है वो चलो भाई ये साड़ी हम पे एक ही पीस बचा था लास्ट और ये बंदे को हमने भेजा था तो वहाँ से उनके पास पहुँच नहीं पाई थी रिटर्न आ गई थी मतलब उनके पास पहुँची नहीं थी हमारे पास ही आ गई थी वापस तो बीच में जब कस्टमर ने ली नहीं और वापस आ रही है साड़ी तो फिर भाई वो तो जैसी है वैसी आनी चाहिए पर ये उन्होंने डिलीवर दिखा के और गुम हो गई मिली नहीं फिर इसकी हमने कंप्लेन वगैरह डाली तो अभी फाइनली दो हफ्ते बाद हमारे पास आई है और ये आखिरी पीस है और उस कस्टमर को ये सेम ही साड़ी चाहिए और हम पे था भी नहीं इसके बाद ये हाँ तो ये कहती कि भाई हमें वही साड़ी चाहिए तो भाई तो भाई उनके लिए साड़ी आ चुकी है और अब हमने कल जो है शिप कर देंगे साड़ी का नाम क्या है? हाँ शिकांती शिकांती साड़ी अच्छा ये वो है जो हम सबसे पहले लाए थे सही है तो वही अपना एक और ये थोड़ा सेटअप है ये मंगाया बेसिकली इससे हम गाड़ी के बाहर कैमरे वगैरह माउंट कर सकते हैं मेरे पे था एक ऑलरेडी पर वो सिंगल सेक्शन कब था इसके अंदर तीन है तो थोड़ा सा रिस्क भी हो जाएगा भाई बाहर तुम लगभग कुछ नहीं तो 1.5-2 लाख का कैमरा लगाओगे उसके ऊपर उसका लेंस है फिर 1 लाख के करीब का तो 2.5-3 लाख रुपये कुर्बान नहीं करना चाहोगे क्योंकि गाड़ी के बाहर भाई लगेगा कहीं निकल के भग गया इसलिए ले लिया मैंने कि इस पर तुम आराम से फिक्स कर सकते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें माउंट कर सकते हो तो ये हम व्लॉग में दिखाएंगे कि क्या करने वाले हैं बेसिकली दिव्य सिंह वाले चैनल पर इस सबका जो सेटअप है उसमें दिखाएंगे ठीक है वहाँ यूज होगा चलो ये आ गया अपने इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए क्योंकि हम सोच रहे हैं कि एक हफ्ते फास्ट किया जाए एक हफ्ते सिर्फ पूरे दिन में कितने 300 कैलोरीज खाएंगे हम पूरे दिन में सिर्फ और फास्ट करेंगे तो उसके लिए है बाकी बाद में देखते हैं क्या पियेंगे बेबी का खून पियेंगे हाँ वो तो है ही खैर चलो ठीक है चलो यार कल तो वहाँ चले गए प्रिया के पास कभी भिंडी छीन के खा जाता है कभी केक खा जाता है उठा के वो तो प्रिया के पास चले के क्या कर सकते हैं तो मजबूरी है चटनी पसंद है इसे बहुत समोसा नहीं खा रही अरे वाह 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 यम्मी टेस्टी यम्मी बस
रुक जा, गाड़ी मत लगा दी भाई।